नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वायु अमन है। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के शानदार वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको 10th यदि आप पास हो गए हो ना, तो 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, और आप आगे चल के कौन सा करियर ऑप्शन सेलेक्ट करें जिससे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो और नो डाउट आपके पास पैसे ठीक ठाक हो, मतलब अच्छे हो, क्योंकि जीवन में सब कोई अच्छे पैसे कमाना चाहता है। ठीक है, तो अगर आप 10th पास हो गए हैं प्यारे बच्चों और आपको अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो शायद आज का ये वीडियो आप लोगों को कुछ जानकारी प्रोवाइड करेगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करिएगा। देखिए, अभी आप 9th में थे और अब आप 10th पास कर गए हैं। ठीक है, 10th पास करने के बाद अब आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा प्यारे बच्चों कि मुझे साइंस लेना है। ठीक है, कि मुझे प्यारे बच्चों साइंस की फील्ड में अपना कैरियर बनाना है। ठीक है, ठीक है, साइंस की फील्ड में, कि मुझे प्यारे बच्चों आर्ट्स की फील्ड में कैरियर बनाना है, कि प्यारे बच्चों मुझे कॉमर्स की फील्ड में कैरियर बनाना है। ठीक है, देखो, आर्ट्स और कॉमर्स की तरफ यदि आप जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ये आपका डिसीजन है, आप कैसे लेते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं। ठीक है, यूपीएससी के लिए आप लोग तैयारी करेंगे अगर, बीपीएससी के लिए तैयारी करेंगे अगर, ठीक है, अगर आप लोग प्यारे बच्चों एमबीए बीबीए करेंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है सीए बनने के लिए, सीएस बनने के लिए। ये सभी अच्छे ऑप्शन होते हैं आर्ट और कॉमर्स वालों के लिए भी। ठीक है, साइंस की तरफ अगर आप आएंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको पीसीएम लेना पड़ेगा और इसमें या तो आपको पीसीबी लेना पड़ेगा। ठीक है, पीसीएम मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना पड़ेगा, और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री प्यारे बच्चों आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा। ठीक है, मैथ लेने के बाद प्यारे बच्चों आपको सभी को पता है सबसे बड़ा एग्जाम आईआईटी होता है, और बायोलॉजी लेने के बाद सबसे बड़ा एग्जाम आपका नीट होता है। ठीक है, नीट को देने के बाद प्यारे बच्चों आप डॉक्टर बनते हैं, क्या बनते हैं आप, डॉक्टर बनते हैं। और आईआईटी का एग्जाम देने के बाद इसमें दो एग्जाम होते हैं, एक होता है जेई मेंस और दूसरा होता है जेई एडवांस। ठीक है, इसको देने के बाद प्यारे बच्चों आप इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, आप इंजीनियर प्यारे बच्चों बनते हैं। तो बात ये आती है कि आप सभी लोगों को कैरियर पता है। ठीक है, आप ढेर सारे बच्चों को पता है कि मुझे आगे क्या करना है उसी फील्ड में। नो डाउट आपने एक अपने अंदर इमेज बना के रखी है कि मुझे आगे जा करके इस फील्ड में पढ़ाई करनी है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों अभी आप 10th में है ना, 10th के इसी उम्र में प्यारे बच्चों आपको है ना प्यार वगैरह भी होगा, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ठीक है, और सतर्क रहिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए पहले से तैयार रहिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों सबसे पहले आपका फ्यूचर है, सबसे पहले आपका जो है उज्जवल भविष्य है, उसके बाद ये सब कुछ है। क्योंकि आपके पास यदि पैसे होंगे ना, आपके पास पैसे होंगे तो जीवन में आपके पास सब कुछ रहेगा। ठीक है, अगर अगर आपके पास पैसे नहीं रहे, अगर आपका एक अच्छा फ्यूचर नहीं रहा, एक अच्छा कैरियर नहीं रहा प्यारे बच्चों ना, तो जो आपसे प्यार करती है ना, वो भी आपको छोड़ के चली जाएगी। और यही सीन लड़कियों के ऊपर भी है, कि जो लड़का आपसे प्यार करता है, अगर आप सही से नहीं पढ़ी, पढ़ लिख के कुछ अच्छा नहीं की, अपना कैरियर अच्छा नहीं बनाई ना, तो यकीन मानो जो लड़का आपके साथ है वो आपको छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान ये नहीं चाहता है कि उसके साथ जो व्यक्ति रहे वो पढ़ा लिखा ना हो। ठीक है, इसलिए आपको अपने से सोचना है, अपने से समझना है, अच्छे से मेहनत करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी आप 10th में हैं, कई लोगों के बहकावे में भी आ जाते होंगे, कुछ लोग कुछ बोलते होंगे, अरे तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, लेकिन उन लोगों के चक्कर में मत पड़ना प्यारे बच्चों। ठीक है, किसी के कहने पर अपना फ्यूचर डिसाइड मत करना, आप अपने अंदर बैठ करके ढूंढना कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर हो सकता है प्यारे बच्चों, तो आप 10th के बाद अपनी जो कैरियर ऑप्शन है, ठीक है, अपना जो फील्ड है, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा बाहर निकलो और उन लोगों से मिलो जो लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं या जो लोग उस फील्ड में काम कर चुके हैं, उन लोगों से मिलो, उन लोगों से सलाह लो, उनके पास बैठो प्यारे बच्चों, आपको बहुत ढेर सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, और हमेशा वैसा ही कैरियर चुनना प्यारे बच्चों कि जिसमें आपको काम करने में मजा आए, आपको अच्छा लगे। ठीक है, आपका दिल और दिमाग दोनों प्यारे बच्चों संतुष्ट हो उस काम में। ठीक है,
ऐसे हमें काम को सेलेक्ट करना है। और अगर अभी आपको नहीं पता चल रहा है वो ऐसा काम कौन सा है, तो परेशान होने की बात नहीं है, आगे मिल जाएगा। ठीक है, जब भी हम कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, देखो जब अगर मैं अपनी बात बताऊं, जब मैंने ये पीसीबी सेलेक्ट किया था, मैंने बायोलॉजी से पढ़ा है, ठीक है, जो है इंटरमीडिएट मेरा बायोलॉजी से हुआ, ग्रेजुएशन भी मेरा बायोलॉजी से, ठीक है, उसके बाद की सारी पढ़ाई मेरी बायोलॉजी से ही होती रही। लेकिन जब मैंने पीसीबी सेलेक्ट किया था 11th में, ठीक है, 11th में, क्योंकि मैथ मुझे थोड़ा कम आती थी, जब सेलेक्ट किया तब मुझे प्यारे बच्चों एक चीज लगा कि मैंने सेलेक्ट गलत कर लिया, क्योंकि मेरे अंदर ये भाव आया कि लगता है मैंने गलत चुनाव कर लिया, अपने कैरियर का चुनाव मैंने गलत कर लिया। ठीक है, ये भाव प्यारे बच्चों मेरे अंदर आया। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी कैरियर का चुनाव करेंगे तो आपके अंदर ये भाव आएगा, ठीक है, कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं चुन लिया। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें निगेटिव और कुछ चीजें पॉजिटिव हमेशा से होती हैं और हमेशा रहती हैं। ठीक है, इसलिए उसमें ज्यादा तनाव नहीं लेना है। लेकिन उसके बाद देखो, पीसीबी से 11th हुआ, उसके बाद मैंने 12th किया, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, फार्मा इंडस्ट्री में पढ़ाई की, वैक्सीन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज की, और ढेर सारे कोर्सेज करने के बाद फाइनली आज मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज मैं एक फुल टाइम टीचर हूँ, ठीक है, और बायोलॉजी ही पढ़ा रहा हूँ। उस समय जब मैं सोच रहा था कि मैंने बायोलॉजी लेके गलत किया, लेकिन आज यही मेरे लिए अच्छा करियर ऑप्शन बन के मेरे सामने खड़ी है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा तनाव नहीं लेना है और आराम से सहजता से अपने कैरियर को चुनना है। अभी आप 10th में हैं और जो भी कैरियर आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसमें आपको खुश रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है। प्यारे बच्चों, आप चाहे साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, इसके बाद जो भी आपकी नौकरी होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, आप तो उनको कर ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप सभी लोगों को सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा कि मुझे किस फील्ड में पढ़ाई करनी है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे उम्मीद है सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।